तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक न्यू नीच के बारे में जो आपको यूट्यूब पे किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं की होगी। तो दोस्तों इमेज कहां से डाउनलोड करनी है और इमेज को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में। तो दोस्तों चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है, देन सर्च बार में आना और यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना है लियोनार्डो AI। तो दोस्तों सर्च कर देना है, उसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट वेबसाइट इसको ओपन करना है। तो दोस्तों इसमें हम अपनी इमेजेस को क्रिएट करेंगे, उसके बाद दोस्तों गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसको लॉगिन करना होगा, मैंने लॉगिन करके रखा है तो दोस्तों आप भी कर लेना गूगल अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इमेज क्रिएशन यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इमेजेस क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह का पेज ओपन हो गया है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे आपको बता रहा है कि टाइप आप प्रॉम्प्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट टाइप कर लेना है जो आपको इमेज इनसे क्रिएट करवानी है। तो दोस्तों मैं कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो दोस्तों ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली कॉपी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आपको मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो आप ChatGPT से करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको सेटिंग पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का सेटिंग ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रीसेट पे आना है और यहाँ पे आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है, सिनेमेटिक 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको इसको कर देना है बैक। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है आपको, मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना है मोबाइल 9:16 रेशो, क्योंकि दोस्तों हमें शॉर्ट बनानी है, ठीक है, तो शॉर्ट्स में इमेज चाहिए हमें। देन यहाँ से दोस्तों दोबारा आपको बैक आना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, तो ये बैक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है, देन डन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ये 4 इमेजेस क्रिएट करके दे देगा। तो दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें 4 इमेजेस क्रिएट करके दे दी गई हैं। तो सिंपल दोस्तों आपको जो भी पसंद आ रही है सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों डाउनलोड कैसे करते हैं, सिंपल दोस्तों आपको इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट में डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद दोस्तों जो भी सिंपल आपको पसंद आ रही है मैं कर लेता हूँ 2-3। और हाँ दोस्तों आपको मल्टीपल चाहिए तो आपको मैंने पहले भी बता दिया आपको प्रॉम्प्ट को चेंज करना होगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो दोस्तों आप ChatGPT से करवा सकते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको मैंने इमेज डाउनलोड कर ली है, यहाँ से आपको बैक आना है। उसके बाद दोस्तों दोबारा से आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है, सॉरी इसको कैंसिल कर देना है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों इसको हटाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है HyperAI, ठीक है, जिसमें हम वीडियो क्रिएट करेंगे। दोस्तों मैं कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों सेम फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इसको भी आपको लॉगिन करना होगा, इसको भी मैंने लॉगिन करके रखा है, आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिंपल यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इमेज टू वीडियो, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल दोस्तों आपको फर्स्ट फ्रेम पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी पसंद आ रही है इमेज उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों मैं कर लेता हूँ एक इमेज को। उसके बाद दोस्तों ये प्रोसेसिंग देगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 100% हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डिस्क्राइब योर वीडियो, तो दोस्तों आपको यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों मैं कर लेता हूँ जो आपने इमेज क्रिएट की थी ना वही प्रॉम्प्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर ड्यूरेशन, ठीक है, 2 सेकंड की वीडियो बनाओगे तो फ्री में बनेगी और 4 सेकंड की बनाओगे तो फ्री में, और अगर 8 सेकंड की बनाओगे तो यहाँ पे आपको जो 138 डायमंड नज़र आ रहे हैं वो यहाँ से आपको 40 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम 8 सेकंड वाली कर लेते हैं, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इसकी क्वालिटी को हाई रहने देना है, ठीक है, देन आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर वीडियो क्रिएटिंग हो रही है। तो दोस्तों सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये वीडियो जनरेट हो रही है। तो दोस्तों आपको वेट कर लेना है। और हाँ दोस्तों इस HyperAI में आपको 1 दिन के लिए 5 वीडियो फ्री में बनाने को देता है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है।
तो दोस्तों हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको यहाँ से बैक आना है। उसके बाद दोस्तों कोई भी आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो दोस्तों मैं कैनवास को करता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, 9:16 रेशो देन क्रिएट। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको इमेज एसेट पे आना है और यहाँ से आपको कोई भी एक बैकग्राउंड ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों मैं ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड करता हूँ यहाँ से। उसके बाद दोस्तों इसकी लेंथ आपको तकरीबन 10 सेकंड कर देनी है, ठीक है। हमारी वीडियो 8 सेकंड की है लेकिन चलो 8 सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे। उसके बाद दोस्तों अभी जो हमने वीडियो डाउनलोड की है वो ऐड करनी है, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक आना है और दोस्तों नीचे आना है आपको। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रोपिंग का, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर जो हाइपर का लोगो नज़र आ रहा है, सिंपल आपको इसको इतना क्रॉप कर देना है, ठीक है। देन यहाँ से बैक आना है। उसके बाद दोस्तों इसको आपको पूरे वीडियो में लगा लेना है इस तरह। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से बैक आना है। उसके बाद दोस्तों हम वीडियो को देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको अगर वीडियो की लेंथ बढ़ानी है तो दोस्तों सिंपल आपको वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको नीचे आना है, स्पीड पे आना है और यहाँ से दोस्तों आपको तकरीबन 1 से नीचे कर देना है, ठीक है। थोड़ी आपको स्पीड कम कर लेनी है, ठीक है, तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी ये थोड़ी स्पीड बढ़ चुकी है। अगर ज़्यादा बड़ी करनी है तो सिंपल आपको यहाँ से स्पीड कम कर देनी है, ठीक है, इस तरह। और हम नहीं करना चाहते तो दोस्तों सेम ही रहने देना है, 8 सेकंड की ज़्यादा है, सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक आना है। उसके बाद दोस्तों जो बैकग्राउंड है हमारा वो वीडियो के बराबर कर देना है, तो सिंपल आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इसको इस तरह स्क्रॉल कर देना है अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आना है। और हाँ दोस्तों, अगर म्यूज़िक ऐड करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं ऐड करना चाहते तो दोस्तों आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब जहाँ भी आप अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पे कोई भी आपको म्यूज़िक को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, देन सेव एज डीवीडी, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक बाय बाय।